हे हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हम सबके यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है टेक्निकल अवी। फ्रेंड्स, काफी टाइम हो गया है चैनल के ऊपर कोई स्ट्रैटेजी से रिगार्डिंग वीडियो नहीं आई है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EMA बॉलिंगर प्लस MA सीडी का डेडली कॉम्बिनेशन किस तरीके से मार्केट पे अभी फिलहाल वर्क कर रहा है और इतना टाइम क्यों लगा स्ट्रेटजी को लाने में। और आज हम टेस्ट करने वाले हैं 100 नहीं 1000 डॉलर्स की लाइव ट्रेड के साथ कि किस तरीके से वर्क करेगी। बाय एंड सेल कॉन्फर्मेशन के बारे में आज मैं बताऊंगा, किस तरीके से चार्ट पे इसे आप अप्लाई कर सकते हो। सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर होने वाली है, लास्ट तक देखना आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। उससे पहले ये बता देता हूं कि अगर कोई भी स्ट्रेटजी आप लोगों तक लेके आनी होती है तो वो काफी टेस्टिंग से गुजरती है। ये चीज देखनी जरूरी होती है कि जो स्ट्रेटजी है वो मेरी एक्सपेक्टेशंस और मेरी जो ऑडियंस है उनकी एक्सपेक्टेशंस को मेट करे। अगर आप सोचते हो कि भाई अभी भाई स्ट्रेटजी लेके आते हैं तो अच्छी काम करे, तो उसके लिए टाइम देना जरूरी है। और उसी टाइम को अगर आप अप्रिशिएट नहीं करते हो लाइक कॉमेंट एंड शेयर करके, तो भाई थोड़ा सा तो बुरा लगता है। इस बार उम्मीद करता हूं कि जो टारगेट है लाइक कमेंट एंड शेयर का वो आप कंप्लीट कर ही दोगे। तो डायरेक्टली आते हैं स्ट्रेटजी पे। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है EMA बॉलिंगर एंड MA सीडी अपने चार्ट के ऊपर, जिसके लिए आपको क्लिक करना है इंडिकेटर वाले सेक्शन पे। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा EMA बॉलिंगर बैंड्स और MA सीडी, तीनों पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ ग्राफ आपके सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आपको कुछ कस्टमाइजेशन करने जरूरी है। EMA पे आप क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये 10 सेलेक्ट होगा, इसको आपको प्लस माइनस को यूज करके 3 पे लेके आना है, यानी इसको कस्टमाइज करके 3 पे लेके आना है। कलर आप पे डिपेंड करता है, आप जो चाहे वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है बॉलिंगर बैंड, तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 2 होगा, इसको आपको यूज करके इस प्लस बटन को 3 पे लेके आना है। और SMA की बात करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ठीक है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। MACD की बात करते हैं तो यहाँ पे आप पेंसिल का निशान देख सकते हैं, लेकिन इसको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट है, चलेगा, जितना भी है उतना हम यूज कर सकते हैं इसको। अब कैसे हम इसमें बाय और सेल का कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं, तो सेल का कॉन्फर्मेशन कैसे ले सकते हैं इस पर पहले बात करेंगे, क्योंकि जो ट्रेड सिग्नल है अभी मैंने लिया है और जिसपे 1000 डॉलर्स अप्लाइड है वो सेल सिग्नल है। तो सेल सिग्नल के लिए सबसे पहला जो कॉन्फर्मेशन मिलेगा वो हमें मिलेगा EMA प्लस बॉलिंगर बैंड की हेल्प से। ये जो आप ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, जो कि ऑरेंज कलर की ट्रेंड लाइन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस किया। तो यहाँ पे जब वो क्रॉस करेगा तो हमें पहला कॉन्फर्मेशन मिलता है अगर हमारी ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो, और जाते हुए क्रॉस करती है ऑरेंज कलर की लाइन को जो कि बाय डिफॉल्ट है बॉलिंगर बैंड के साथ। अब यहाँ पे हमें एक कॉन्फर्मेशन मिलता है कि भाई यहाँ से हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन के सिग्नल्स दिख रहे हैं कि यार नीचे जा सकता है मार्केट फॉर नेक्स्ट 5 कैंडल्स। हम 5 कैंडल्स तक ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के साथ। 5 कैंडल्स का क्या मतलब है, अगर आपने 1 मिनट का चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है, यानी 1 मिनट टाइमिंग सेलेक्ट की हुई है, तो ये जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट 5 मिनट के लिए ट्रेड लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने 1 आवर का सेलेक्ट किया हुआ है टाइमिंग, तो आपको 5 घंटे की ट्रेड लेनी पड़ेगी, यानी 5 आवर्स की। अब हमारे पास कॉन्फर्मेशन मिल गया EMA की तरफ से, बॉलिंगर बैंड की तरफ से, तो थर्ड कॉन्फर्मेशन हमें मिलेगा MACD की तरफ से। देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि यहां पे हमारा जो MACD है उसकी जो 2 ट्रेंड लाइन है, ये रेड कलर की और ग्रीन कलर की, ये हमारे 0 लेवल से नीचे होनी चाहिए, प्लस हमारा जो हिस्टोग्राम कैंडल्स है ये देखेंगे, ये छोटे छोटे ब्लू कलर के जो आप देख सकते हैं, ये भी एक ग्रोथ में होने चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमें जो कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिला था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं मिला था, क्योंकि ये हमारे 0 लेवल से नीचे भी नहीं है और हिस्टोग्राम भी एक प्रॉपर वे में नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने वेट किया वेट किया वेट किया और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे आप देखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे रेड कलर और ग्रीन कलर की जो बोथ कैंडल्स हैं वो हमारे 0 लेवल से नीचे हैं और हिस्टोग्राम भी आप देखेंगे एक प्रॉपर वे में बन रहे हैं, यानी कि ग्रोथ में है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया नेक्स्ट 5 कैंडल्स के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आप देखेंगे, और मेरा जो प्रेडिक्शन है काफी हद तक सही जा रहा है, यहाँ पे हमने लिया था एंड फिलहाल तक प्रेडिक्शन सही है। लेकिन अगर आप इसे 1 मिनट या 2 मिनट के लिए यूज करोगे या 3 मिनट के लिए भी यूज करोगे तो काफी रिस्की रहने वाला है। इसलिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को वो ये कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को आप यूज करो फॉर 5 मिनट्स और मोर देन 5 मिनट्स, 5 मिनट से ज्यादा के लिए आप कभी भी यूज करो। यानी कि अगर आप यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स अगर आपने सेलेक्ट किया, इसका मतलब आपको जो ट्रेड लेनी है वो 50 मिनट्स के लिए लेनी है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे देखो लास्ट ट्रेड जो है हम प्रॉफिट कर गए हैं, हमारे अकाउंट में ऑलमोस्ट 800 समथिंग डॉलर्स ऐड हो गए हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डेमो अकाउंट में भी मेरे पास पड़ा है, लाइव अकाउंट में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट कर गए हैं, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि हम प्रॉफिटेबल सिग्नल कैसे ले सकते हैं, यानी कि अब हम बाय सिग्नल के बारे में बात करेंगे। सेल के बारे में हमने बात कर ली है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप इंजॉय जरूर कर रहे होंगे। अपनी वैल्यूएबल कॉमेंट को यानी फीडबैक को जरूर शेयर करें कॉमेंट सेक्शन में, ताकि उससे क्या है बाकी सारे यूजर्स हैं उनको समझने में हेल्प मिलती है कि आपने स्ट्रेटजी यूज की है, आपके क्या रिजल्ट्स रहे हैं। बाकी सारे यूजर्स के लिए वो एज अ रिव्यू काम आता है, तो एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। दूसरी बात ये कि कोई भी स्ट्रेटजी परमानेंट नहीं होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी स्ट्रेटजी परमानेंट नहीं होती है, 100% रिजल्ट नहीं दे सकती है। काफी टेस्टिंग के बाद ये जो स्ट्रेटजी है 80+ रिजल्ट आपको दे रही है, यानी कि हर 10 में से 8 ट्रेड आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, लेकिन एक दिन में से 3-4 ही सिग्नल फॉलो करोगे, तो ज्यादा के लालच में जाओगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए आप जो है मिनिमम सिग्नल्स को फॉलो करो, यानी कि कम से कम कंफर्मेशन लो, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन की तरफ जाओ। हमेशा से मेरा रिकमेंडेशन यही रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप नई नई स्ट्रेटजीज क्यों लेके आते हो जब आप पुरानी स्ट्रेटजीज हमारे पास हैं। तो यार मार्केट चेंज होता है, मार्केटिंग इम्पैक्ट पड़ता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेटजी को अपग्रेड करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो ये रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में नई नई स्ट्रेटजी लानी पड़ती है। हर एक पुरानी स्ट्रेटजी पे हम डिपेंड नहीं हो सकते फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है तो आपको स्ट्रेटजीज को चेंज करते रहना पड़ेगा। अब मैं जाता हूँ बाय कॉन्फर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे बाय कॉन्फर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए। बाय कॉन्फर्मेशन के लिए हमारा जो ग्राफ है, यानी कि जो बेसिकली कैंडल्स है, वहां पे आप ये ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, यानी कि जो ईएमए है ये ऊपर की तरफ क्रॉस करना चाहिए रेड कलर की, यानी कि ऑरेंज कलर की ट्रेंड लाइन को। जैसे ही इसने ऊपर की तरफ क्रॉस किया, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें ये देखना है कि हमारा जो एमएसईडी है उसमें जो ग्रीन एंड रेड रेड कलर की जो कैंडल्स है, क्या वो भी ऊपर है, वो भी ऊपर की तरफ क्रॉस करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं मिला है, आप चेक कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा वेट किया एंड आगे चलते हैं, थोड़ा और वेट किया, लेकिन ऐसी कंडीशन यहाँ पे तो नहीं बनती है। तो हम थोड़ा सा और ग्राफ को पीछे लेके चलते हैं और पीछे ढूंढेंगे इस तरीके की कोई कंडीशन हमें मिलती है तो नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको करेंसी स्विच करनी पड़ती करती पड़ती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्फर्मेशन जल्दी से नहीं मिलेगा। एक दिन में 4 से 5 सिग्नल लो, लेकिन अच्छे सिग्नल लो, मैं तो हमेशा से यही रिकमेंड करूंगा आपको। अब यहाँ पे आते हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है, हमारी जो कैंडल्स है ईएमए है, उसने क्रॉस किया है ऑरेंज कलर की ट्रेंड लाइन को अपवर्ड डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे। लेकिन हम थोड़ा सा वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे? क्योंकि हमारा जो हिस्टोग्राम है उसमें हमें ग्रोथ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप एक कैंडल देखेंगे हिस्टोग्राम की, छोटी सी है, थोड़ी बड़ी बनी, देन फिर से छोटी बनी, देन फिर से छोटी, देन फिर से छोटी। तो हमें इस तरीके से नहीं जाना है। यहाँ पे ये पैटर्न आप देख सकते हैं हिस्टोग्राम का, जो कि इंक्रीज हो रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है। तो हमें यहाँ तक 3 कैंडल्स तक वेट करना है, यानी कि इस 3 कैंडल पे 1, 2, 3 हमें एक ग्रोथ दिख रही है। नेक्स्ट लास्ट 3 कैंडल्स पे जब हमें ग्रोथ दिखेगी, तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, इस ओपनिंग पे इस कैंडल की, या क्लोजिंग पे भी आप ले सकते हो। तो 5 मिनट के लिए ट्रेड लेंगे, यानी नेक्स्ट 5 कैंडल्स के लिए, तो 1, 2, 3, 4, 5 इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है, तो हम प्रॉफिट करेंगे डेफिनेटली। या फिर अगर इसकी क्लोजिंग पे भी नहीं, तो इसकी क्लोजिंग पे भी करा तो भी हम प्रॉफिट करेंगे। तो बाय एंड सेल कॉन्फर्मेशन की सिग्नल्स किस तरीके से ले सकते हैं पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से, वो मैंने आपको इस वीडियो के दौरान समझाया है। कोई भी डाउट रहते तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।